उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रतापगढ़ जिले के अधिवक्ताओं को बड़ी सौगात दिया है। अब जिले के अधिवक्ताओं के लिए 5 करोड़ रुपए की लागत से चैम्बर बनाया जाएगा। इसका जूनियर बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मंगलवार को शिलान्यास भी कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और अब जल्द ही चैम्बर बनाने का कार्य शुरू हो जाएगा। बता दें कि जूनियर बार एसोसिएशन 2019 के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे विधि और कानून मंत्री ने ऐलान किया था कि जिले के अधिवक्ताओं को अब टीन शेड में नहीं रहना पड़ेगा, उनके लिए बाकायदे चैम्बर बनाया जाएगा। इसके लिए उन्होंने 5 करोड़ रुपए की धनराशि का ऐलान किया और धीरे धीरे यह प्रक्रिया पूर्ण हो गई। अब प्रतापगढ़ जिले के अधिवक्ताओं को टीन शेड से मुक्ति मिल जाएगी क्योंकि चैम्बर बनने का काम शीघ्र शुरू होने वाला है। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है इस मामले में पूर्व महामंत्री जेपी मिश्रा ने। आज 27 जुलाई 2021 को अधिवक्ताओं के बैठने के लिए सेट की व्यवस्था का शिलान्यास किया गया। सन 2019 में 13 नवंबर को जूनियर बार एसोसिएशन पुरातन के शपथ ग्रहण में माननीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी ने 5 करोड़ रुपए की घोषणा की थी, जो पैसा अब शासन द्वारा स्वीकृत होकर PWD में प्रतापगढ़ में पहुँच चुका है। उसका टेंडर हो गया है। अधिवक्ताओं को टीन छपड़े इन सब से निजात दिलाने के लिए हम लोगों ने विधि एवं न्याय मंत्री से मांग किया था, जो सपना आज साकार होता दिख रहा है, जिसका शिलान्यास आज किया गया। कितने ऑफिस बनेंगे इसमें और कैसे आवंटित होगा, प्रक्रिया क्या होगी? कलेक्ट्रेट प्रतापगढ़ में 2000 अधिवक्ताओं को बैठने के लिए चैम्बर की व्यवस्था होगी, जो मॉडलाइज होगा। नीचे पार्किंग होगी, ऊपर अधिवक्तागण बैठेंगे, जिसमें पंखा कूलर आदि लगेगा और जिनका रजिस्ट्रेशन जिस सन के अनुसार है उस सेट के अनुसार से उनका आवंटन होगा।